आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमय मोशन पिक्चर्स ने और ये मूवी हमें डायरेक्ट ही देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानते ही होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, शबाना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया था, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पर। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज़ लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चा जाने बिना ही लोग देखते हैं क्योंकि ये मूवीज़ बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही। जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतने कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अंधश्रद्धा या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकटा में कसावट है परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे।
काली खुई में शिवांगी के अंदर में है और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 साल लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलती है जिन्हें आप जानती होंगे जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैम्यूल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पे। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है और एक और यहाँ पर काफ्टे जिसे हम दादी कह सकते हैं लीला सैमसन जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही। जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग की हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं।
मगर ये हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूँ, ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह की से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है, वो इस हॉरर फिल्म में खाली खोऊ से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अंधश्रद्धा, या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा, जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। रामगोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुवी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है, क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती, और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था, और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है, और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने, जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलती है जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में।
तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हैटवी भनुसाली, शबाना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कपूर, सॉरी अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज किया गया नेटफ्लिक्स पे। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है, और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मजा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही। जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले ही हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग की, हमें कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि ये निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर ये हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह की से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खोऊ से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। ये एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमजोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआं, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआं पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी, एक ही वजह हो सकती है या तो अंधश्रद्धा या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआं ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआं खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है, इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिख देते हैं। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है, हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 ही लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गाँव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है,
और कौन सी मामले लौट आई है, इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होता ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है, और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने, जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलती है जिन्हें आप जानती होगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैम्यूल जोहन, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पे। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है, और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं, क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है, और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली, और कुछ लोग डर भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर ब्लेम बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अनश्रद्धा या फिर वो लोग
उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआं ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआं खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 ही लग गई है। परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी मामले लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमय मोशन पिक्चर्स ने और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज किया गया नेटफ्लिक्स पर। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है और एक और यहाँ पर काफ्टे जिसे हम दादी कह सकते हैं लीला सैमसन जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में।
भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही। जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले ही हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली, और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर हाँ, डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी, ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर ये हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खोऊ से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। ये एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआं, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआं पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो ये कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अंधश्रद्धा, या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआं ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआं खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा, जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिख देते हैं। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है, क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती, और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 साल ही लग गई है। परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गाँव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था, और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी,
और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है, और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने, जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पर। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है, और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस तरह की मूवीज़ लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है, और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली, और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतने कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अंधश्रद्धा, या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकटा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है,
क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 साल ही लग गई है, परंतु यह कहानी स्पष्ट नहीं होता है। गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है, इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमय मोशन पिक्चर्स ने और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैम्यूल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने यहां पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पे। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहां पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहां पर प्रिया के रोल में है और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं क्योंकि ये मूवीज़ बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले ही हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं मगर यह हॉरर सुनिया है और मैं आपको दोस्तों बता दूं ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतने कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खोऊ से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक
बहुत ही कमजोर मूवी कह सकते हैं। तो कुही का अर्थ होता है पंजाबी में कुआं। तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है और मौत का कुआं पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो ये कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अंधश्रद्धा या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआं ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआं खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 ही लग गई है। परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गाँव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पर। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है
और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर काफ्टे जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही। जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले ही हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग की, हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर ये हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह की से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतने कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। ये एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो कुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआं, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआं पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी, एक ही वजह हो सकती है या तो अंधश्रद्धा या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआं ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआं खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है, इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिख देते हैं। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है, हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 साल लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गाँव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं।
तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलती है जिन्हें आप जानती होंगे जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया था, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज किया गया नेटफ्लिक्स पे। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं लीला सैमसन जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मजा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर ब्लेम बताकर प्रमोट कर रहे हैं मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह की से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खोऊ से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अनसरता या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकटा में कसावट है परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा।
तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 ही लग गई है, परंतु यह कहानी स्पष्ट नहीं होता है गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी मामले लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमय मोशन पिक्चर्स ने और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पर। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है और एक और यहाँ पर काफ्टे जिसे हम दादी कह सकते हैं लीला सैमसन जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं क्योंकि ये मूवीज़ बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग की हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर ये हॉरर सुनिया है और मैं आपको दोस्तों बता दूं ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतने कुछ खास मुझे लगा नहीं।
पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो है इस हॉरर फिल्म में, खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। ये एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो कुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआं, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआं पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो ये कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अंधश्रद्धा, या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआं ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआं खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिख देते हैं। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुई सामाजिक कुरीतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है, क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती, और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 ही लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज में होती है और बस मूवीज में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था, और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है, और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-30 साल की, 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान,
रोज राठौड़ और अनिल कपूर, सॉरी अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पर। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है, और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी की काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं, क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है, और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली, और कुछ लोग डर भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतने कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अनसरता, या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है, क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती, और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 साल ही लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी मामले लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी।
तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमय मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है, और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने, जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, शबाना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैम्यूल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पे। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है, और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है, और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले ही हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली, और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग की, हमें कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर ब्लेम बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खोऊ से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआं, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआं पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो ये कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी, एक ही वजह हो सकती है या तो अंधश्रद्धा या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआं ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआं खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है।
इसमें अन्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तु शास्त्र के ज़माने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म बहुत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 ही लग गई है, परंतु यह कहानी स्पष्ट नहीं होता है गाँव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी मामले लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDb थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पर। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं लीला सैमसन जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है, और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है।
ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी, ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है, वो इस हॉरर फिल्म में खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुए से मतलब है, और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अंधश्रद्धा, या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा, जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकटा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है, क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती, और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 साल ही लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है। गाँव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है, इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था, और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था।
इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने, जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलती है जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, शबाना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया था, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज किया गया नेटफ्लिक्स पे। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है, और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं, क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है। और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली, और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खोऊ से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी, एक ही वजह हो सकती है या तो अंधश्रद्धा या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा, जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकटा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है, रामगोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुवी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है, हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है, क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती, और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 साल लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गाँव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है
और कौन सी मामले लौट आई है, इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमय मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने, जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलती है जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पर। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है, और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर काफ्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज़ लोग बहुत देखते हैं, क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है, और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली, और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग की, हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतने कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खहू से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। ये एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी,
एक ही वजह हो सकती है, या तो अंधश्रद्धा या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआं ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआं खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 ही लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गाँव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है, और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने, जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलती है जिन्हें आप जानती होगे, जो कि देखने में लगती है 20-30 साल की, 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज किया गया नेटफ्लिक्स पे। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है, और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में।
भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही। जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली, और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर हाँ, डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारा दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी, ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अनसरता, या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा, जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुवी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है, क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती, और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 साल ही लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था, और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी,
और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने, जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, शबाना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कपूर, सॉरी अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पर। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है, और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर काफ्टे जिसे हम दादी कह सकते हैं लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है। और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले ही हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली, और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग की, हमें कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर ये हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतने कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खोऊ से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो ये कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी, एक ही वजह हो सकती है या तो अंधश्रद्धा या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआं ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआं खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा, जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है, राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है, हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है,
क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7:30 ही लग गई है, परंतु यह कहानी स्पष्ट नहीं होता है गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज़ किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स पर। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज़ लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं क्योंकि ये मूवीज़ बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक
बहुत ही कमजोर मूवी कह सकते हैं। तो कुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकते है, या तो अंधश्रद्धा, या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा, जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। रामगोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिख देते हैं। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है, क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती, और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 ही लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था, और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमय मोशन पिक्चर्स ने, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने, जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-30 साल की, 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, सबना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैम्यूल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज किया गया नेटफ्लिक्स पे। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है,
और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है, और एक और यहाँ पर काफ्टे जिसे हम दादी कह सकते हैं, लीला सैमसन, जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं, और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी की काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही। जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले ही हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग कि हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे, क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, वो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए, क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। ये एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमजोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआं, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है, और मौत का कुआं पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है, और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो ये कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अंधश्रद्धा, या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई, और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा, जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है, परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिखते थे। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है, और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है। हालांकि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है, क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती, और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 ही लग गई है, परंतु यहाँ कहानी स्पष्ट नहीं होता है गाँव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था, वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी चला नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर एक और कमाल की हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो कहाँ पे मूवी आपको देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं।
तो अगर आप लोग भी हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है काली खुई। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली थी। इस मूवी का रन टाइम बहुत ही कम था, 1.5 घंटे की ये मूवी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था मनोमे मोशन पिक्चर्स ने और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिल गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो ये मूवी अगर आप अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस मूवी की रेटिंग के बारे में और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो IMDB थी वहाँ पर 10 out of 3.6 की रेटिंग मिली हुई है और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने लाइक किया था और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 42% लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टेरी समुद्राने जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मूवी के अंदर एक लड़की आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जानती होंगे, जो कि देखने में लगती है 20-25 साल की, पर वो है बस 12-13 साल की। तो ये शायद उनकी पहली मूवी हो सकती है लीड एक्टर के रोल में। तो यहाँ पर जो कास्ट है वो रीवा अरोरा, सजिंदा शेख, सत्यदीप मिश्रा, लीला सैमसन, हेटवी भनुसाली, शबाना आजमी, जितेंद्र कौर, इंदर बाजवा, सैमुअल जोहान, रोज राठौड़ और अनिल कुमार जैसे किरदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया है, फिर बाद में ये मूवी हिंदी के अलावा और भाषा में डब हुई और इसे रिलीज किया गया नेटफ्लिक्स पे। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो रीवा अरोरा यहाँ पर शिवांगी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो संजीदा है वो यहाँ पर प्रिया के रोल में है और जो सत्यदीप है वहाँ पर दर्शन के रोल में है और एक और यहाँ पर कास्ट है जिसे हम दादी कह सकते हैं लीला सैमसन जो यहाँ पर दादी का किरदार निभा रहे हैं और अनिल कुमार यहाँ पर विलेज डॉक्टर रहते हैं। कहानी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह की मूवीज लोग बहुत देखते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है देखने में, भले भूत है या ना हो इसकी सच्चाई जाने बिना ही लोग देखते हैं क्योंकि ये मूवीज बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही। जब मूवी बनती है और जब कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले हमें बताया जाता है कि ये काल्पनिक कहानी है, इसे आप सीरियसली ना लें, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं सीरियसली और कुछ लोग डर ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ डर जो होता है वो इस तरह से सेट किया गया हमारे दिमाग की हमें कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें डर लगने लगता है। तो इस मूवी के अंदर जो VFX वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हॉरर मूवी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी कहानी भी जो है इसी बेस पर आधारित है। ये मूवी पूरी रात में शूट की गई होगी ऐसा आपको लगेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि यह निर्माता निर्देशक की काली खुली का हॉरर फिल्म बताकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर यह हॉरर सुनिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं ये मूवी शायद आपको डराने में कामयाब ना रहे क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से बनाई गई है, जो सीन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो इतने कुछ खास मुझे लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आप डर जाए क्योंकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोग छोटे चीज़ों से डर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर बनाई गई है कि जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का जो मैसेज होता है वो इस हॉरर फिल्म में खाली खो से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म में हिंदी में बन चुकी है। यह एक नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आने वाली एक बहुत ही कमज़ोर मूवी कह सकते हैं। तो खुई का अर्थ होता है पंजाबी में कुआ, तो फिल्म में यह काले कुएं से मतलब है और मौत का कुआ पंजाब के एक गुमनाम गांव की कहानी कहलाती है और यही आपको इस मूवी में बताया गया है। तो यह कहानी बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया जाता था। अब इसकी क्या वजह है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगी। एक ही वजह हो सकती है, या तो अंधश्रद्धा या फिर वो लोग उस लड़के को रखना नहीं चाहते थे। तो कभी जहर चटा दिया जाता है, वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बड़ी हुई और वह कुआ ढक दिया गया था। इसके बावजूद जाने क्या हुआ कि एक दिन वह कुआ खुल गया और उसमें से एक लड़की यानी कि साक्षी की रूह बाहर निकल आई और यह रूह अब उस घर के सदस्यों की जान ले रही है जहाँ पैदा होने वाले लोग जिनकी फैमिली ने उसे मार दिया था। इसी घर में 10 साल की बालिका शिवांगी यानी कि रीवा अरोड़ा जो अंत में रूही को मुक्ति देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही पटकथा में कसावट है परंतु फिल्म की कहानी बेहद ही कमजोर है। इसमें न्यायपन कुछ नहीं है। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र के जमाने में हमारे यहाँ बच्चे का ये हॉरर फिल्म भूत दिख देते हैं। काली खुई में शिवांगी केंद्र में है और वास्तव में इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो शायद आपको डरा सके। कहा है तो इस मूवी की कहानी एवरेज है, पर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो खाली खुबी सामाजिक कृतियों के नाम पर अंधविश्वास जैसी चीज दिखाती है, हालांकि ये तो सिर्फ
एंटरटेनमेंट के लिए होता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसको किस तरह से अपनाते हैं। हालांकि लोग तो मूवी देखने के बाद भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमें यहाँ पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म में सास यानी कि लीला सैमसन अपनी बहू प्रिया सजना शेख से नाराज है क्योंकि उसने अपनी जिद पे बेटी पैदा कर ली थी। अगर बहू ने सास की दी हुई लड़का पैदा करने वाली दवा खाई होती तो परिवार में गले लड़की यानी कि शिवांगी के रूप में नहीं होती और वह उसे बोझ मानती है। कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है कि गांव को रूह का सांप लगा है, महामारी लौट आई है और 7.5 साल ही लग गई है, परंतु यह कहानी स्पष्ट नहीं होता है गांव को किस रूह ने क्यों कौन सा सांप लगा है और कौन सी महामारी लौट आई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना रहेगा कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस ये होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। बाकी आपको बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि उसने भूत देखा था वो देखा था, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप सच का सामना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर ऐसी चीज़ कोई होती तो शायद हमें अब तक पूरी दुनिया भी खाली हो गई होती, क्योंकि वो लोग तो मारकर इस दुनिया पर राज कर ले होते ना। तो हालांकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस मूवीज़ में होती है और बस मूवीज़ में ही रहेंगी। तो ये मूवी वैसे आपको अच्छी लग सकती है, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 1.5 घंटे की मूवी है, तो आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा।